ये क्या हो रहा है यहाँ? मैंने मिस्टर फांग से पूछा था मेरी हेल्प के लिए। रेस्टोरेंट का काम हल्का चल रहा था तो आपने मेरी हेल्प की थी। आपको धन्यवाद के रूप में मैंने आपकी कंपनी में ज्वाइन भी किया। और मिस्टर फांग ने कहा था कि एक प्रेसिडेंट के रूप में वो कंपनी के सारे एम्प्लॉइज की हेल्प करेंगे। कंपनी के प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। एक एम्प्लॉय के तौर पर तुम्हारा हक है। वर्कप्लेस पर भी मिस्टर फांग ने कभी मुझसे फ्लर्ट नहीं किया और ना ही मेरे मन में कोई फीलिंग्स है। तुम मुझे कभी खुश करते हो तो कभी दुखी करते हो। मुझे डर था कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई तुम्हें जहर भी दे सकता है। मुझे हमेशा परेशान क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? मीडिया में जो भी न्यूज़ है हमारे रिलेशनशिप के बारे में वो फेक है। ध्यान से सुनो, आज और अभी से ना तुम उसे देखोगी, ना मिलोगी, ना पसंद करोगी, समझ आया? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सिर्फ मुझे देखोगी। ये सब हमारे बारे में। क्या शाओची जो कह रही है वो सही है मिस्टर फांग? देखिए, शाओची ने अभी अभी आप सबको बताया कि इस इवेंट का थीम चैरिटी है, तो मिस्टर फांग ने जो शाओची की मदद की है वो भी एक तरह की चैरिटी है। मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। थैंक यू। चले, थैंक यू आने के लिए। बिल्कुल नहीं, फांगलिंग को बता दीजिए मेरा ऑफ है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? तुम्हारे आने से पहले फांगलिंग ने मुझे चुना था। उसे पता था कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मीडिया का ध्यान तुम्हारी गॉसिप से ज्यादा हमारे रिश्ते पर होगा। क्या फर्क पड़ता है रिश्ता सच्चा है या नहीं? बाय द वे, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यह सिचुएशन को अकेले हैंडल कर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया? शाओची, तुम जैसे लोग ऐसी ओकेशंस पे कभी नहीं जाते। ये तो सिर्फ एक बैंक्वेट है, मैं तो बहुत सारे ओकेशंस पे जाती हूँ। आज की रात बहुत खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम याद रखो अब तुम फांगलिंग के साथ नहीं हो, और ये भी याद रखो कि तुम फांगलिंग का प्यार डिजर्व नहीं करती और ना ही वो तुम्हें प्यार करेगा। और शाओची, अगर दोबारा तुमने फांगलिंग को फंसाने की कोशिश की तो ये रात याद रखना। मैंने कुछ नहीं किया। तुम बस इस थप्पड़ के लायक ही हो। निकलो, माफी मांगो मुझसे। तुम्हें क्या लगता है शाओची, तुम बहुत महान हो? फांगलिंग की लाइफ में सिर्फ मैं हूँ और तुम जैसे मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत। छोड़ो मुझे। ये क्या हो रहा है यहाँ? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। शायद शाओची को मैं कुछ पसंद नहीं आई। ये बकवास है, इसने पहले मुझे मारा। चुप रहो। मेरा विश्वास करो, इसने पहले मुझे मारा। यकीन नहीं है तो सीसीटीवी चेक कर लो। तुम जाओ यहाँ से। ये सच है, मेरा विश्वास करो, इसने पहले मुझे मारा। शाओची, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन लेकिन तुम्हारी मेरी दुनिया अलग है, समझ आ रहा है? चलिए। तुम उससे सिर्फ दूर रहना चाहते हो ना?
आदर्श जाने के बाद कितना बदल गया ये। पहले कितना सही था ना। मॉम मैं पहुंच गया हूँ। हाँ अब मैं फोन रखता हूँ। बाय बाय शाउची। फंगली तुम यहाँ कैसे? अरे तुम कैसे यहाँ? हमारी फैमिली ने चैरिटेबल इवेंट स्पॉन्सर की है इसीलिए यहाँ आया हूँ। वो मैं किसी काम से आई थी और अब मुझे निकलना चाहिए। फेस पे क्या हुआ? वो ठंडे पानी से हुआ है। किसने मारा? अरे वो तुम सब छोड़ो, मैंने उसे ज्यादा तेज मारा। क्या भाई ने तुम पे हाथ उठाया? नहीं। अरे तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम्हारे भाई ने नहीं मारा। मैं डॉक्टर को लाता हूँ। रहने दीजिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तमाशा हो जाएगा। माफ कीजिएगा, उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। गलती आपकी नहीं शाउची की है। या फिर आप मानते हैं जो उसने कहा और गलती मेरी है? जहां तक मैं जानता हूँ शाउची थोड़ी इम्पल्सिव तो है लेकिन किसी को हर्ट नहीं कर सकती, आपको तो बिल्कुल नहीं। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइएगा। हाँ मैं तो भूल जाऊंगी, शाउची को भी भूल जाऊंगी। और आप? मैं आपको घर भिजवाता हूँ। अभी भी उसकी फिक्र है ना? जैसा आपको लगता है वैसा कुछ नहीं है, उसकी इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हूं मैं। आप उसे भूल चुके हैं ना, तो एक स्ट्रेंजर आपको ऐसे कैसे फील करा सकता है? शायद ऐसा होता ही है। फांगलिंग ठीक हो? मेरे एंकल में स्प्रेन है शायद, थोड़ी देर यहां रुक नहीं सकते? मेरी जियांग जुए से लड़ाई हो गई, उसने मुझे थप्पड़ मारा, पर मैटर खत्म हो गया। कोई बात नहीं, नहीं ये मीडिया का ही खेल है, सिचुएशन को खराब मत करो। उसने तुमसे लड़ाई क्यों करी? समझा, भाई की वजह से। छोड़ो ना, बात करनी पड़ेगी। किसी और को चाहते हैं अगर तो तुम्हें इस्तेमाल ना करें। उन्होंने मेरा इस्तेमाल नहीं किया, ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। फांगलिंग के साथ मेरा रिलेशन एक्सपोज हो गया, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, पर ऐसा लगता है कि आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं। पर इतना जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई, कुछ देर तो रुको। वैसे मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था, क्योंकि पहले ही यहाँ पर इतनी परेशानियाँ हो गई हैं, अगर जाती हूँ तो लोग ब्लेम देंगे। मुझे पता है तुम किस लिए जा रही हो। मुझे नहीं जाना। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है,